मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम लोगों के। तो फिर से वेलकम है तुम्हारा पोकेमोन ब्लैक वर्जन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर आज मैं वही करने वाला हूं जो कि मैंने पिछली वीडियो में तुमसे करने का वादा किया था। यानी जी हाँ, आज मैं स्ट्रैटन सिटी के जिम लीडर को हराने वाला हूं। और तुम और मैं दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां का जिम लीडर कौन है। अगर तुम भी मेरी तरह एकदम ट्रू पोकेमोन फैन हो तो भाई कमेंट में लिख के बता दो कि वो बंदा कौन है जो कि शर्डन सिटी का पोकेमोन जिम लीडर है। ठीक है, अगर तुम जानते हो ना तो भाई कमेंट में बता दो, क्योंकि ना मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम में से जो जो ये बंदा इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा बंदे या फिर ऑलमोस्ट सारे ही बंदे जानते होंगे कि वो बंदा कौन है। और वो बहुत ही फेमस बंदा है, अपने ऐश के साथ ही पूरा सफ़र किया था उसने यूनोवा का। अब तो तुम्हें पूरा हिंट दे दिया मैंने, अब तो तुम जानते ही होगे। तो कमेंट में लिख के बता दो वो बंदा कौन है, उसका नाम लिख के बताना। तो आज हम उसी बंदे को डिफीट करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने तुमसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि जी हाँ, आज इस वाली वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा एक जिम लीडर की कहानी। मतलब उसे डिफीट करूँगा यार, उसे मारूंगा मारूंगा नहीं। और वीडियो में इतना सब कुछ हो गया और मैं यहाँ पे इंट्रो पे धरा हुआ हूँ, तो एक बंदा मेरे से बैटल करने भी आ गया। और उससे पहले मेरी मोम आई थी, वो मेरे को शूज़ वगैरह दे के चली गई और बता के चली गई कैसे शूज़ को यूज़ करना है। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बंदे ने निकाला है पैट रैट को, जहाँ पर मेरा टिप्पी उसको बहुत गंदी तरह मारेगा और उस पैट रैट को पता भी नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। लेकिन भाई वो मेरे टिप्पी को भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। और देखो फिर से यही अटैक जो कि डैमेज नहीं देते वो अटैक, मतलब देखो ये भी मेरी बात सुन ली भाई, इसने भी मेरी बात सुन ली। पहले पता नहीं कौन सा अटैक, शायद टेल व्हिप कर रहा था ये या फिर ग्राउल कर रहा था, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर ये जोन सा भी अटैक कर रहा था। लेकिन वो कोई डैमेज वाला अटैक नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैंने डैमेज वाले अटैक की बात की, इस बंदे ने सीधा वाइट कर दिया। वाइट नहीं मतलब बाइट कर दिया, बाइट कर दिया यार, बोलने में थोड़ी इधर उधर हो गई। तो भाई देखो, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बैटल करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बैटल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपी कमा के पोकेमोन की उन्हें उच्च लेवल पे पहुँचाना है। उच्च लेवल पे पहुँचा के हमें बनना है इस गेम का चैम्पियन। यही तो अपनी भाई स्ट्रेटेजी है पूरी गेम की। तुम तो जानते हो कोई भी बंदा पोकेमोन गेम खेले, यही तो स्ट्रेटेजी होती है। तो ये मैडम आ गई है मेरे से फिर से बैटल करने के लिए, तो देखते हैं इनको अब हम कैसे मारेंगे। मतलब इनको नहीं मारेंगे, इनके पोकेमोन को अपने पोकेमोन के द्वारा मरवाएंगे। ठीक है, मतलब अब तुम भाई समझो ना समझो, मैंने अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया ना कि भाई कहना क्या चाह रहा है, तुम समझो ना समझो, इसलिए मैंने बता दिया। तो भाई और एक और चीज़ भाइयों और उनकी बहनों, कि ये देख रहे हो ना तुम, ये गेम जो है ये थोड़ा स्लो था, और इस मतलब वीडियो में तुम्हें थोड़ा फास्ट लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि भाई अगर मैं इस गेम को थोड़ा सा मतलब तेज़ नहीं करता तो भाई ये बहुत ही स्लो था, बहुत ही स्लो था, बेफालतू में टाइम वेस्ट होता मेरा इतना स्लो स्लो चलने में। तो मैंने गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अगर तुम्हें इसमें कुछ कमी लगे तो कमेंट में बता देना, और कोई कमी ना लगे ना तो नीचे मतलब ओके करके लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई गेम में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, और भाई अपने को भी ना अब एक पोकेमोन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टिप्पी है, और जहाँ तक मेरे को मालूम है वहाँ पे ना जिस सिटी के जिम लीडर के पास हम जा रहे हैं वहाँ पे वो तीन भाई आएंगे। अब भाई इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा बचे हुए को। ठीक है, वो तीन भाई आएंगे, तीनों के पास ग्रास है, फायर है, वाटर है। तो भाई क्या पता कौन सा मेरे से भिड़ने के लिए आ जाए, या फिर मेरी चॉइस होगी, ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ वहाँ पे कि वो अपनी तरफ से आएंगे या फिर मेरी चॉइस होगी उनमें से भिड़ने की। ठीक है, क्या पता वो वाटर टाइप लेके आ जाए, वहाँ मेरे टिप्पी का पूरा मामला ख़राब हो जाएगा भाई, वहाँ टिप्पी सही नहीं पाएगा वो पानी वो। ठीक है, इसलिए मेरे को एक नया पोकेमोन पकड़ना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कोई बढ़िया पोकेमोन मिले तो उसे पकड़ा भी जाए। ये पर्लिन वगैरह और ये जो पैटरेट वगैरह है, इन सबको मेरे को नहीं पकड़ना ना, लिलीपब को पकड़ना, क्योंकि मेरे को भाई चाहिए एक बढ़िया सा पोकेमोन जिसको मैं अगर इवॉल्व भी करूँ ना तो उसका इवोल्यूशन एकदम बढ़िया निकले। मेरे को पर्लिन वगैरह नहीं चाहिए। ये देखो फिर से ये पर लेना भी, भाई मेरे को नहीं लड़ना भाई आपसे, आप जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं लड़ना आपसे। चलो चलते हैं, देखो सिटी में घुसने से पहले कोई टोक देता ना फिर। अच्छा ये तो अपनी बेस्ट फ्रेंड बियंका है यार। अरे तुमने पिछले वाले वीडियो के कमेंट में यार तुमने किसी ने भी बताया नहीं इसका मैं निकनेम क्या रखूँ। अपने उसका केरन का या चेरन जो भी है वो उस बंदे का मैंने चीरू भाई नाम रख दिया, इसका क्या रखूँ, भाई बहन। ये कुछ अलग हो गया, भाई है नहीं, बियंका, बियंका का क्या नाम रख सकते हैं, क्या नाम रख सकते हैं, क्या निकनेम रख सकते हैं हम बियंका का। चलो इस वीडियो में
फिर से मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम कमेंट में ये भी बता देना, मतलब कितनी सारी चीज़ें तुम्हें कमेंट में लिखने को बोल दी मैंने, लेकिन तुम ये भी बता देना कमेंट में कि इसका निकनेम मैं क्या रखूँ। अगर तुमने इस वीडियो में कमेंट में नहीं बताया ना, तो फिर मैं खुद ही सोचूंगा कि इसका निकनेम क्या रखना है भाई, क्योंकि निकनेम तो रखना ही पड़ेगा ना। अब चाहे तुम रखो चाहे मैं रखूँ, निकनेम तो रखना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई, अपनी गेम के लिए निकनेम ज़रूरी है। तो देखो इसके स्नाइवी को अपन बहुत गंदा मारने वाले हैं। देखो भाई साहब, देख रहे हो, मतलब देख रहे हो क्या यार, वो एक तो एम्बर मैंने यूज़ करा, ऊपर से वो उसके ऊपर सुपर इफेक्ट है, साथ में मेरा लेवल भी 11 है और उसका लेवल 7 है, वो मरना तो वैसे ही था। और उसके बाद बोल रही है अच्छी ट्रेनिंग है मेरी भाई। वैसे ओ हाँ, वैसे देखो हम स्ट्राइटन सिटी में आ चुके हैं, अब पहले पोकेमोन सेंटर में जाके मैं हील करवाऊंगा अपने पोकेमोन को। और वैसे जहाँ तक देखा जाए, ये जो मेरे अपोनेंट्स हैं यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे अपोनेंट्स, ये अगर इस लेवल पे चल रहे हैं ना, जहाँ पर मतलब कि मैं इनसे ऊपर लेवल पे, उच्च लेवल पे चल रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी ट्रेनिंग सही चल रही है भाई। क्योंकि ये लोग जिस जिस मतलब मेरे को जगहों पर मिलते हैं, वहाँ पर इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब मेरे को ना ऑलमोस्ट इन्हीं के लेवल के आसपास रहना होता है, तभी जाके मतलब कि ना एक सही उस स्टेज पे मेरा सही लेवल चल रहा है वो पता चलता है। तो भाई यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं चीरू भैया, जो कि मेरे को उन अंकल ने, जिम वाले अंकल ने कहा कि भाई तुम स्कूल में जाके ढूंढ के आओ जिम लीडर को, या फिर कुछ भी कहा, स्कूल में जाने की बात हुई थी वहाँ पे, तो मैं स्कूल में आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को चीरू भैया मिल चुके हैं, अब इनसे बैटल करना है, और मेरे पास है सिर्फ टिप्पी। तो इसी सिचुएशन के लिए ना मैं कह रहा था कि मेरे को ना अब भाई एक पोकेमोन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ये बंदा कर दिया इसने कोई वाटर टाइप मूव, तो यहाँ पे मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि भाई वाटर टाइप के आगे ना फायर टाइप ज़्यादा टिकते नहीं है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, एक ग्रास टाइप ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एक ग्रास टाइप और एक फायर टाइप मेरे पास है ही, तो बाकी और किसी चीज़ की मेरे को दिक्कत ही नहीं है भाई, फायर टाइप को तो ऐसे ही झेल दूंगा मैं, ठीक है। किसी भी पोकेमोन से रॉक टाइप, फायर टाइप के लिए रॉक टाइप है, और अपना ये कौन सा हो गया, फायर टाइप के लिए ग्राउंड टाइप है, और भी बतेरे टाइप हैं फायर टाइप के लिए, जो वो आराम से, वो क्या कहते हैं, आराम से झेल जाएंगे फायर टाइप को। लेकिन ना मेरे को एक वाटर टाइप के लिए ढूंढना पड़ेगा बढ़िया सा, यानी बढ़िया सा ग्रास टाइप बोल रहा हूँ यार मैं, बढ़िया सा ग्रास टाइप ढूंढना पड़ेगा वाटर टाइप के लिए। और ये देखो इसने पल्ले निकाल लिया भाई, उसके पास था, उसके पास शायद पैटरेट था, लिलीपप था, शायद लिलीपप था उसके पास, बियंका के पास और चीरू भाई के पास है पल्ले। तो भाई यहाँ से मेरे को मिल चुके हैं पैसे, और भाई से बातचीत हो चुकी है, और भाई ने ओरेन बेरी भी मेरे को दे दी है भाई, और इनवायरी भी मेरे को दे दिया भाई ने, थैंक यू भाई, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ा बड़ा नहीं मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा बड़ा शुक्रिया क्या, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने मेरे को और इनवायरी दी, नहीं तो भाई पता नहीं आज क्या हो जाता। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली है अंकल से, अब चलते हैं बाहर और अपने पोकेमोन को हील करवा लूँ भाई पहले, क्योंकि अगर उनको हील नहीं करवाया मैंने तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने बात कर लिया, और तुम देख सकते हो सामने अपने कौन खड़ा हुआ है, हाँ तो तुम ऐसे आधे बंदों को पता चल गया होगा भाई, क्योंकि अभी भी भाई इसका हुलिया पहचानना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इसको इसके बालों से पहचान गया कि सामने कौन खड़ा हुआ है, तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि सामने कौन खड़ा हुआ है। तो अब इसने मेरे को फ्रेश वाटर दिया है इन अंकल ने, तो भाई यहाँ पे सामने जिन पर्दों पे मतलब निशान बने हुए हैं ना जौन से टाइप के, उनके अपोजिट टाइप जो उनको हरा सकते हैं, उन पे इफेक्टिव होते हैं उन टाइप के, मतलब उस पे प्रेशर प्लेट पे अपने को जाके खड़ा होना है, तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया था। और यहाँ पे ये आंटी जी, या आंटी जी नहीं, ये दीदी मेरे से लड़ने आ गई, आंटी जी ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ओल्ड बता दिया थे, तो ये दीदी मेरे से लड़ने आ गई, इन्होंने निकाला अपना लिलीपॉप, और इनका लेवल भाई लिलीपॉप, इस लिलीपॉप का लेवल 11 है भाई, तो सोचो जिम लीडर के पोकेमोन का लेवल तो अच्छा खासा होगा, मतलब मैं अभी पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि ना मेरे को एक पोकेमोन पकड़ के लाना ही पड़ेगा जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना इस मैच को ख़त्म करने के बाद एक पोकेमोन पकड़ के ही लाऊँ। और यहाँ पे मैं भाई एम्बर पे एम्बर एम्बर पे एम्बर किया जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना यही एक पावरफुल अटैक है जो कि इन पे इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि टैकल भी इतना इफेक्ट नहीं करेगा, अगर कोई सामने रॉक टाइप आ जाए, कोई ग्राउंड टाइप आ जाए तो मैं टैकल फिर भी करूँ, लेकिन एम्बर उन पे इफेक्ट नहीं करेगा ना क्योंकि, लेकिन इस पे टैकल से ज़्यादा एम्बर इफेक्ट करेगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आगे देखते हैं, ये मैंने प्रेशर प्लेट तो दबा दिया है, लेकिन मैं भाई दिमाग में तो यही चल रहा है कि एक बार ना हो ही आऊँ वहाँ पे ना, एक बार ट्रेन हो जाऊँ और ना साथ में ना पोकेमोन पकड़े आऊँ। तो चलो यार ना पोकेमोन पकड़ के आ ही जाते हैं, पहले ना एक काम करते हैं पोकेमोन पकड़ के ही आ जाते हैं, मैं अपने पोकेमोन को हील तो करवा लिया, यहाँ से जिम में नहीं जा रहा मैं, सीधे यहाँ पर जा रहा हूँ ड्रीम यार्ड में, ठीक है, और ड्रीम यार्ड पर जाके यहाँ से मेरे को ट्रेन हो रहा है, तो तुम देखना अब मेरे को जल्दी जल्दी ट्रेन होना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बैटल नहीं दिखा रहा हूँ।
मतलब कट नहीं कर रहा हूँ मैं इसे, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तुम देख लो कि मैंने ये बैटल लड़ा है भाई, मैंने लड़ा है यार, ठीक है, और उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये है छोटू सा ट्री, जिसके लिए हमें एक कॉमन सी बात है कि चाहिए होंगे HMs, यानी अपने को इस ट्री को काटने के लिए HM कट चाहिए होगा। और ऐसे ही HM स्ट्रेंथ का होता है, फ्लाई का होता है, सर्फ का होता है, तो ऐसे बहुत सारे HM होते हैं भाई, यानी हिडन मूव्स कह लो, हिडन मशीन्स कह लो, वो सब होते हैं। तो ये आते हैं अपने थोड़े बहुत टास्क जो होते हैं उनको कंप्लीट करने में मदद कर देते हैं, पोकेमोन के हिडन मूव्स। भाई इनसे बात करते हैं, ये क्या सीन है इनका, ये पोकेमोन के बारे में कुछ बात कर रही है, और ये इसने मेरे को कोई पोकेमोन ग्रास टाइप पोकेमोन दिया इसने मेरे को। अरे वाह भाई, यहाँ तो पोकेमोन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, यहाँ तो मेरे को पेंसेज मिल गया ऑटोमेटिकली। तो इसका नाम रखते हैं अपन पैनी, ठीक है। पेंसेज का एक निकनेम है पैनी, जो कि अपन ने ही रखा है, ठीक है। तो ये अपना पेंसेज नहीं है, ये अपना पैनी है एक्चुअली। तो भाई अब देख लो, अब सारा मामला सॉल्ट है, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि मेरे को एक ग्रास टाइप पोकेमोन मिल जाए बढ़िया सा, मतलब ये इतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ना पोकेमोन मेरे को मिल चुका है। और कितना लेवल है इसका, इसका भाई 10 लेवल है। हो गया भाई काम, हो गया काम। और अब तुम देख सकते हो मैं जिम लीडर के पास आ चुका हूँ, तो यहाँ पे बीच में थोड़े बहुत बैटल हुए थे, तो मैंने सोचा कि वो तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, इसलिए मैं सीधे जिम लीडर के पास आ चुका हूँ। और तुम देख सकते हो ये तीन बंदों की, एक फायर है, एक वाटर है, और एक ग्रास टाइप का मतलब ट्रेनर है, खुद वाटर टाइप, ग्रास टाइप, फायर टाइप नहीं है, उनके ट्रेनर है पोकेमोन के, ठीक है। तो मैंने वाटर टाइप के पास ही मतलब जाके लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि ना भाई मैं चाहता हूँ मेरा ये जो पैनी है ना, ये थोड़ा ना मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, इसका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो, इस वजह से मैंने सोचा कि इसका लेवल थोड़ा अप करते हैं और वाटर टाइप वाले बंदे से लड़ते हैं। नहीं तो लड़ने को मैं ग्रास टाइप वाले से भी लड़ सकता था, यानी अपने साइलेंट बाबू से, जो कि मैं तो मैं बार बार हिंट दे रहा था कि वो बंदा कौन है, वो बंदा साइलेंट था, ठीक है। तो अपने साइलेंट भाई से भी मैं लड़ सकता था। और देखो भाई चीरू भाई की ना अपने ओरन बैरी काम आई है बहुत ज़्यादा, मैंने उनको ओरन बैरी दे दी थी पकड़ने के लिए, और यहाँ पे इसने खुद हील कर लिया। अब भाई अपने को स्विच करना है पैंसेज से, यानी अपने पैनी से, और जाते हैं और मार के आते हैं उसके पैनपोर को। तो भाई पैनपोर उसने निकाल लिया है, अब अपने को मालूम है क्या करना है, वाइन विप मारेंगे। और उसने पहले वर्कअप कर लिया है, तो वर्कअप करने से पहले वाइन में मारेंगे, और जो कि मतलब सही HP ले गया यार, मतलब उसके लेवल के हिसाब से वो 14 लेवल का, अपना 10 लेवल का, फिर भी अच्छी खासी HP ले जा रहा है यार, कोई इतनी मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी खासी HP ले जा रहा है वो, अच्छी खासी। लेकिन भाई जितनी HP मेरा वाइन में ले जा रहा है ना, उतनी HP उसका वाटर गन ले जा रहा है, जबकि उसका वाटर गन मेरे पे इफेक्टिव नहीं है। भाई समझे तुम कि लेवल कितना मैटर करता है पोकेमोन के इन गेम्स में। अगर तुम्हारा लेवल गलती से, भाई मैं ऐसा मतलब देख चुका हूँ, मैं ऐसा फेस कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ वो गेम की गेम्स में, कि अगर कभी कभार तो ऐसा होता है कि तुम्हारा एक लेवल भी डाउन हो ना, तो भी बंदा तुम्हें मार के चले जाता है, ऐसा कभी कभार होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे 20 लेवल भी डाउन है ना, जैसे कि कोई बंदा 70 लेवल का है और तुम्हारे पास 50 लेवल का पोकेमोन है, तब भी तुम उसे मार के चले जाओगे। मतलब कुछ लेवल मैटर तो करता है भाई, लेवल तो मैटर करता है, लेकिन पोकेमोन भी मैटर करता है, और तुम्हारे अटैक भी मैटर करते हैं, तो कि तुम किस सिचुएशन में कौन सा पोकेमोन किस टाइप का निकाल रहे हो। जैसे कि मैंने इसका लेवल बढ़ा था, लेकिन मैंने सही पोकेमोन निकाला, सही इफेक्टिव वाला पोकेमोन निकाला, इस वजह से मैं बच गया, वरना मैं भी पिटता। और भाई बैच अपने को मिल चुका है, तुमने देख लिया, ट्रायो बैच मिल चुका है। और ये कौन है, ये फैनल है, और ये अपने को ले आई है यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों लाई है, ये मेरे को अपने रूम में ले जा रही है ऊपर। और हाँ, अच्छा ये साइंटिस्ट है, मैं समझ गया। और ये जूनिफर जी की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड तो हमारी है बिनिया का, ये फ्रेंड है, जूनिफर जी की फ्रेंड है। तो भाई अपने को जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि HMs की जरूरत पड़ेगी मेरे को, और फर्स्ट HM अपने को मिल चुका है, जो कि है कट, जो कि इन साइंटिस्ट साहिबा ने हमें दे दिया है। तो भाई अब कट अपने को सिखाना है, अपने जाहिर सी बात है टिप्पी तो सीखेगा नहीं, अपने को कट सिखाना है उसको, किसको, पैंसेज यानी अपने पैनिक को। तो पहले को सिखाएंगे अब अपना HM मूव, लेकिन उससे पहले भाई ड्रीम यार्ड में जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने पोकेमोन को हील करवा लूँ, और सोच कह रहा हूँ मेरे को अपने पोकेमोन को हील करवाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि भाई इतना बढ़िया मैच खेल के आया हूँ मैं, वहाँ पे लड़ के आया हूँ, तो मेरे पोकेमोन को रेस्ट की ज़रूरत है और पोकेमोन की हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो मैंने हील करवा लिया है अपने पोकेमोन को, अब चलते हैं ड्रीम यार्ड में, और ड्रीम यार्ड में जाके देखते हैं कि उस ट्री के पीछे क्या था, वहाँ पे सीन क्या था। तो चलो चलते हैं ड्रीम यार्ड में, और काटो भाई। भाई सिखा दिया है हमने अपने पेंसेज को मूव, और अपने पैनी ने काट दिया ट्री। और ये बियंका क्यों आ गई भाई, मेरे को बैटल नहीं करना अबे। अबे भाई कितनी ही पागल, कितनी अजीब गरीब लड़की है ये यार, मैंने ट्री काटा और खुद अंदर घुस गई, पागल है क्या, क्या हो गया इसे, इसने साउंड सुन, क्या साउंड सुन लिया तूने, कान
कहाँ अंदर जाना है क्या? चल भाई अंदर चलते हैं। अरे कहाँ, नहीं अंदर अंदर चलते हैं भाई, चलो। हाँ और ये कौन है भाई? ये तो कौन है ये कौन है भाई? अच्छा मूना। अच्छा मूना एक पोकेमोन है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मूना। तो ये बंदे कौन है भाई? हाँ हाँ पोकेमोन हंटर कौन हो भाई आप लोग हो कौन? ड्रीम मस्ट चाहिए ने, मस्ट नहीं मिस्ट सॉरी, ड्रीम मिस्ट चाहिए ने। ये टीम प्लाज्मा के बंदे हैं। अच्छा वो जो पिछले वीडियो में वो आया नहीं था वो बंदा अजीब सा गेट से। अच्छा तो वो इनका लीडर था भाई और ये टीम प्लाज्मा के बंदे हैं। और ये मेरे से क्यों भिड़ने आ रहा है? अबे वेट है मैं मारूंगा अभी, तू जानता नहीं है मेरे को। रुक जा एक पोकेमोन लेके आया मैं मारूंगा इसको, ये जानते नहीं है मेरे को। 10 लेवल का लेके आया, चलो अपना पैनी भी इसी बहाने ट्रेन हो जाएगा भाई। मैं टिप भी तो 14 या 15 लेवल पे चल रहा है भाई, मेरे को ध्यान से याद नहीं है लेकिन मेरे को याद है कि 14 या 15 लेवल पे चल रहा है और अपना पैनी है 11 लेवल पे। और भाई ये इसका और लेवल अप करते हैं, अब ऐसी बात है अपना लेवल भी अप हो जाएगा भाई, आराम से मारेंगे इसे। देखो मर भी गया, बातें करते करते वो बंदा मर भी गया, खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या होगा आगे। अच्छा और देखो भाई बंदे, देखो एक बंदे पे दो दो बंदे चढ़ रहे हैं, इसके पास भी एक पोकेमोन। कोई नहीं बेटा मैं तेरे को भी गंदी तरह मारूंगा, तू बर्लिन लेके आ गया तो क्या करेगा तू? तो भाई हमने फिर से अपना पैनी निकाल दिया है और अपने यूज किया है कट को, क्योंकि भाई देखो हिडन मूव यानी HM हिडन मशीन है, हिडन मूव तुम जो भी कहना चाहो वो जो होते हैं ना वो अपने मतलब ये जो टास्क होते हैं ट्री को कट करना, बड़े बड़े पत्थर हिलाना, उड़ना हवा में, सर्फ करना पानी में, इन सब के साथ साथ ना एक अच्छे बैटल मूव का भी मतलब रोल निभाते हैं, ठीक है। और अच्छे खासा डैमेज देते हैं भाई, अच्छा खासा डैमेज देते हैं, ऐसी बात नहीं है नॉर्मल डैमेज, अच्छा खासा डैमेज देते हैं। हिडन मूव की यही तो स्पेशलिटी होती है भाई, यही तो एक खासियत होती है उनकी। ये गेट्सिस कैसे आ गया भाई यहाँ पे? अबे दूसरा गेट्सिस कैसे आ गया यहाँ पे? अबे क्या जादू ये कि ये भाई मेरे को, अबे यहाँ पे अब दोनों मिल गए भाई, मेरे को तो भूतिया सा लग रहा है गेट्सिस, ये यहाँ पे कैसे आ गया यार? ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये पनिशमेंट मिलेगी इसे, इन दोनों को गेट्सिस से पनिशमेंट मिलेगी। और भाग ही गए से, अबे गायब हो गया ये, क्या था ये? मुशरना है ना, इसका इवोल्यूशन है ये मुशरना है। अच्छा अच्छा मैं समझा भाई, ये जो था ना ये मुशरना। अच्छा भाई इनकी बातें सुन के मेरे को सही समझ आ रहा है, ये देखो फाइनल आ गई पीछे से। मुशरना ने ये सारा मतलब खेल करा था, मतलब ये जो भी था वो बनाया था एक नॉर्मल सा, एक कहते हैं ना होलोग्राम टाइप का बना दिया था इसने गेट्सिस का, है ये सारा जो था ना ये एक टाइप का ड्रीम था, ठीक है रियल नहीं था ये सारा एक इल्यूजन बनाया था उसने। और देखते हैं भाई, इसे ड्रीम मिस्ट मिल चुका है और ये भग चुकी है, और इससे बात करो तो ये क्या कह रही है भाई? इसने बोला है कि जाके फाइनल से मिल लो। तो भाई फैनल वैनल से मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। अगर तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।